विदुर जी महाराज वन में विचरण कर रहे हैं कि अचानक उद्धव जी महाराज से उनकी भेंट हो जाती है। उद्धव जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न सखा हैं, अभिन्न मित्र हैं, भक्त हैं, भक्त भी हैं, मित्र भी हैं और परम विद्वान भी हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्र, वृष्णि कुल के श्रेष्ठ मंत्रियों में गिने जाते हैं। साक्षात बृहस्पति जी से जिन्होंने विद्या ग्रहण की थी, भगवान श्री कृष्ण के उच्छिष्ट को धारण करने वाले थे, परम भक्त थे। जब भगवान स्वधाम गमन करने लगे तो भगवान के साथ जाने के लिए उद्धव जी महाराज भी तैयार हुए। भगवान ने आदेश दिया, उद्धव अभी तुम कुछ समय इसी पृथ्वी लोक में विचरण कर, मेरे धर्म का, मेरी भक्ति का प्रचार कर। भगवान ने उद्धव को अपनी पादुकाएं दी थी, जिनको मस्तक में धारण करके उद्धव जी महाराज भगवत गुणानुवाद गाते हुए विचरण कर रहे थे। अचानक उनके यमुना के पावन पुलिन पर विदुर जी महाराज से भेंट हो जाती, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। पश्चात विदुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों के कुशल क्षेम के अनेक प्रश्न करने लग जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त द्वारिका वासियों के कुशल क्षेम का प्रश्न होता है, उद्धव जी महाराज के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है। उद्धव जी महाराज के नेत्रों में आंसुओं को देखकर विदुर जी महाराज चिंतित हो जाते हैं, क्या मैंने ऐसा कौन सा वचन बोल दिया जिससे आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं। उद्धव जी महाराज अवरुद्ध गले से बोलते हैं, विदुर जी महाराज, जिन श्री कृष्ण चंद्र रूपी चरित्र को श्रवण करने के लिए आपने यह प्रश्न किए हैं, वह अस्ताचल की ओर जा चुके हैं। भगवान द्वारिकाधीश के उस स्वरूप को यदुवंशियों ने भी समझा नहीं, पहचान नहीं पाए, आपस में कलह करते हुए सब मृत्यु को प्राप्त कर गए। स्वयं वह पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। भगवान द्वारिकाधीश भी अपने धाम को जा चुके हैं और यह भगवान की इन पादुकाओं को मैं मस्तक पर धारण करके विचरण कर रहा हूं। परंतु विदुर, जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे उस समय भगवान ने मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराया था। उस समय ऋषि मैत्रेय भी थे, मैत्रेय को देखकर भगवान ने आदेश दिया था, हे मैत्रेय, यह जो मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें कराया है ना, यह मेरा दिव्य ज्ञान मेरे प्रिय भक्त विदुर को भी करा दे, उनको भी आप मेरे इस ज्ञान को बताना सुनाना। जैसे ही विदुर जी महाराज ने उद्धव जी के द्वारा सुना कि भगवान स्वधाम गमन करते समय भी मेरा स्मरण किए, उनका भी गला अवरुद्ध हो गया, हृदय भर आया, विचार करने लगे कि भगवान मेरा स्मरण किए। दोनों का परस्पर भगवत विषयक जो प्रेम वहां पर दिखा वह अकथनीय है। पश्चात उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए विदुर जी महाराज ने आज्ञा ली और हरिद्वार क्षेत्र में जहां मैत्रेय जी महाराज का आश्रम था वहां के लिए प्रस्थान कर गए। जाकर के मैत्रेय जी महाराज की कुटिया में पहुंचे, उनको प्रणाम किया, सामने बैठे। मैत्रेय जी महाराज ने भी स्वागत किया, आओ आओ विदुर जी महाराज, आपके लिए भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ा भार दिया था, बड़ी कृपा की जो आज मेरे सामने आप आ ही गए हैं, अब मैं उस भार से मुक्त होना चाहता हूं। भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी कि जो तत्व का उपदेश मैंने तुम्हें किया है मेरे प्रिय भक्त विदुर को भी करा देना, आओ मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूं। विदुर जी महाराज ने
बैठ करके अनेक प्रश्न किए। विदुर जी महाराज ने कहा, मैत्रेय जी महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारम वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, प्रभु कृपा करके यह बताइए कि संसार का प्रत्येक जीव सुखी होने के लिए अनेक कार्य करता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है, पर आवश्यक नहीं कि सबको वही भोजन अच्छा लगे। कोई भोजन के नाम से भागता है, कोई भोजन के लिए भागता है, कोई भोजन को छोड़ना चाहता है, उसका इतना पेट भरा हुआ है कि खाने का मन ही नहीं है। पर यह सुख ऐसी वस्तु है कि ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इसे प्राप्त न करना चाह रहा है। सभी सुखी होना चाहते हैं, मानव मात्र सुखी होना चाहता है। सुख सुखी होने के लिए दिन रात अनेक कार्य करता है, प्रयत्नशील रहता है, परंतु जितना वह सुख के लिए प्रयत्न करता है उतना ही वह दुखी होता चला जाता है। प्रयत्न सुख के लिए करता है लेकिन दुख रूपी दलदल में समाता ही चला जाता है। देखिए, दलदल माने कीचड़। अगर कोई दलदल में गिर जाए तो वह कितना ही प्रयत्न करे, जितना प्रयत्न करेगा उतना ही उसमें घुसता चला जाता है। अभी एक दिन फेसबुक में ही एक ऐसा वीडियो आया, जो अभी कुछ दिन पहले बहुत बरसात हुई थी ना, उसमें कहीं का वीडियो आया, बहुत ज्यादा दलदल था और उसमें कोई वृद्ध गिर गया था। खुद जितना प्रयत्न कर रहा था उतना ही उसमें घुसता चला जा रहा था। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद रस्सियां डाल करके किस प्रकार से उनको निकाला गया। तो ये सुख रूपी दलदल ऐसा है कि सुख प्राप्त करने के लिए जो उस दलदल में फंसता है वह दुख रूपी दलदल में समाता चला जाता है, उसे दुख ही प्राप्त होता है। पहले केवल छोटा सा मकान, छोटी सी झोपड़ी, मकान बनाया, मकान बनाने के बाद बंगला बनाया, दुनिया भर के साधन एकत्रित किए, अनेक प्रकार के धन संपदा एकत्रित की, जो जो आवश्यक लगा तुरंत खरीदता चला गया। पहले तो थोड़े से ही काम चल जाता था लेकिन अब वह थोड़ा भी उसे कम पड़ने लगा है। पहले सुबह सुबह उठते ही व्यक्ति रात की रखी रोटियां इकट्ठी उठाता और नाश्ते के रूप में भोजन करता और खेतों में काम करने चला जाता, बड़े आनंद पूर्वक उन्हें खा करके चला जाता, और जब काम करके आता तो एकदम बढ़िया नींद आती और सुबह उठकर कहता, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, और आज एक नहीं दो नहीं नींद की गोलियों की गोलियां खाता चला जा रहा है पर उसे नींद नहीं आ रही है। भोजन भी गया, आज के समय में नींद भी गई, जो सुख था वह भी चला गया, सुखी कहां हो पाए। डॉक्टरों ने कह दिया है कि सोते समय की ये गोली, जगते समय की ये गोली और काम करते समय की ये गोली, मतलब गोलियां खा खा करके ही व्यक्ति अपना जीवन निकाल रहा है। काहे के लिए? सुख संपन्न होने के, सुखी होने के। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, आपने अपने अनुकूल ही प्रश्न किया है। संसार के प्राणियों में एक विशेष बात देखी जाती है कि जो वस्तु जहां नहीं है वो वहीं पर उसे खोजने का प्रयत्न कर रहा है। सुख रूपी संसार है ही नहीं जहां पर सुख खोज रहा है, और जहां सुख है नहीं उसे सुख वहां मिलेगा कहां से। अब आप किसी गौशाला में जाएं और वहां गौ सेवक से बोलें कि मुझे एक थाली भोजन लगा दो, तब गौशाला में भोजन बनता है क्या? भोजन तो भोजनालय में बनता है, भोजनशाला में जाना पड़ेगा।
अब कोई जाकर के पुस्तकालय में दवाई मांगे और मेडिकल में जाकर पुस्तक मांगे, तो ये विपरीत वस्तुएं विपरीत स्थानों पर प्राप्त नहीं हो सकती हैं। उसी प्रकार इस संसार में जहां सुख लेश मात्र नहीं है, वहां सुख प्राप्त कैसे होगा? सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है। प्रयत्न करता रहे लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख कहाँ है? बोले सुख तो हमारे हृदय में है, हृदय गत है। हम सुख स्वरूप हैं लेकिन हम अपने आप को पहचानने की चेष्टा नहीं करते। हम किसी महापुरुष के शरणापन्न नहीं हो रहे हैं, शरणागति ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम कुछ जानना नहीं चाहते हैं, हम बहुत जल्दी कुछ सीख लेना चाहते हैं। और जब तक संत शरणागति नहीं ग्रहण करोगे तब तक सुखी होने का आपके जीवन में कोई कार्य हो नहीं सकता है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकलता है, लोग बताते हैं जाओ आगे सरोवर है, वहां पर पानी भरा हुआ है, जाकर पी लेना। चलते चलते सरोवर के पास पहुंच गया, सरोवर में पानी खूब भरा हुआ है, लेकिन विडंबना ये है कि उसके जल के ऊपर काई जमा हुआ, काई जमी है। अब जब तक काई हटाएगा नहीं तब तक पानी दिखेगा कैसे? हरे कलर की मटमैली वह काई जमी है, उस काई को हटा नहीं रहा है, तब तक उसे जल दिखाई नहीं दे रहा है। पानी के पास पहुंच करके भी वह प्यासा लौट करके आ जाता है। बस वही स्थिति सबकी है, हृदय में ही वह परमात्मा सुख है जो अन्यत्र सर्वत्र खोजने के लिए हम विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। वह सुख हमारे हृदय में है, परंतु वह अज्ञान रूपी, वह ममता मोह रूपी अनेक प्रकार की जो काई हमारे हृदय में जमी हुई है ना, जब तक उसको हम पूरी तरह से साफ नहीं करेंगे तब तक हम सुखी अपने आप को मान ही नहीं सकते हैं। और वह काई हटेगी कैसे? काई को हटाने के लिए भी हमें किसी सदगुरु की आवश्यकता है। जब तक हम महापुरुषों का आश्रय नहीं लेंगे, उनके शरण में नहीं बैठेंगे, तब तक हमें उस काई को हटाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जीव कैसा था? बोले जीव तो सहज सुख राशि था। उस जीव के अंदर सहज ही आनंद और सुख ही सुख भरा हुआ था, पर जो अज्ञान की परत जम गई उस कारण से ही उस सुख को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो सकता है लेकिन सुख बाहर है नहीं, सुख तो अपने अंदर है। बाहर खोजने के लिए पूरा जीवन लगा दीजिए, वह जो बाहरी सुख है वह थोड़ी देर के लिए आपको आनंदित कर सकता है लेकिन अंत में आपको वह भी दुखी ही करेगा। क्यों? आपने कोई भी वस्तु ली, नई नवेली वस्तु को प्राप्त करके पहले आप आनंदित होते हैं और उस वस्तु का आप प्रयोग करते हैं। वाहन लिया, नया नवीन वाहन है, नवीन वाहन में चलते चले जा रहे हैं, अचानक हाईवे में टायर फट गया, अचानक उसमें कोई पाइप फट गया, सुनसान उस सड़क पे कहीं कोई दूर दूर तक जहां दिखाई नहीं दे रहा है वहां आपने पूरी मेहनत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कितना परिश्रम करके एक रात को वहां बितानी भी पड़े, अगले दिन जाकर के आपको कोई आ करके उसे ठीक करता है, तब आप उसको लेकर घर पहुंचते हैं। आपने उस नवीन वाहन को सुखी होने के लिए लिया लेकिन मिला क्या? दुख। तो बोले किसी भी बाहरी वस्तु में आपको सुख प्रतीत हो सकता है लेकिन वह सुख सुख नहीं है, क्योंकि उसके आगे दुख आपका आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसलिए कहते हैं ये संपूर्ण संसार दुख का भंडार है, यहाँ इस दुखालय में कभी भी कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है। यहाँ हर व्यक्ति हर जीव किसी ना किसी कारण से दुखी ही दिखाई दे रहा है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।